कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं पंकज रॉय और आप देख रहे हैं पीटीएच। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक अहम चीज़ बताने जा रहा हूं कि आप अपने जियो 4G वॉयस से कैसे कॉल को कॉन्फ्रेंस पे ले सकते हैं, एक साथ दो तीन कॉल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हम आप आइए बताते हैं, आप सबसे पहले जियो ऐप्स अपना जो है आपके फ़ोन में उसको ऑन कीजिए। यहाँ पे मेरा जियो ऐप्स ऑन हो चुका है, देखिए यहाँ पे। और ऑन होने के बाद दोस्तों कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करके उस पर कॉल कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे एक कॉल कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मेरा कॉल कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। इसको मैं रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप एक फिर से कॉल कनेक्ट कीजिए, यहाँ से न्यू कॉल ले लीजिए। हाँ दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाला है कि जो भी आप नंबर को या जो भी आप कॉल को कॉन्फ्रेंस पे लेना चाहते हैं वो नंबर मोबाइल बुक में कॉन्टेक्ट बुक में सेव होना चाहिए। तो दोस्तों जहाँ भी आप कॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले नंबर को सेव कर लें, उसके बाद करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं एक नंबर सर्च मार लेता हूँ जो मेरे आस पास है और उसको कॉल करता हूँ मैं। यहाँ से मैं दूसरा कॉल भी ले लिया। यहां से दोस्तों मैं दूसरा कॉल भी कनेक्ट हो गया, देख सकते हैं आप, एस्टैब्लिश हो गया, देख सकते हैं आप। अब देखिए दोस्तों यहां पे आपको कॉल अपना मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए यहां पे जो डैश डैश है इसको लीजिए, क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए मर्ज कॉल लिखा, क्लिक कीजिए, यहाँ कॉल मर्जिंग हो रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों का कॉल देखिए दोस्तों मर्ज हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने कॉल को मर्ज कर सकते हैं, एक साथ दो तीन कॉल कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह गया वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।